हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. वेलकम टू अनदर टॉपिक फ्रॉम द इकोलॉजी. एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हम जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनका इन दो शब्दों का मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले क्या है कि इकोलॉजी से डील कर रहे हैं हम, है ना. इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में क्या ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कैसे प्रेजेंट हैं, और हम उनको किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, पिरामिड की फॉर्म में ला के पढ़ेंगे उनको, तो उसको हम बोलेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड. ठीक है, कि उसका जैसे हम इसकी डेफिनेशन बताती है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं. ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको एक ग्राफ की फॉर्म में ले जाके पढ़ते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे एक दूसरे से डील कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे कि मतलब कैसे फूड चेन बना रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके वो कैसे हमारी फूड चेन से डील कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल्स हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं. किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स मतलब एक स्पेसिफिक एक जोन है. जोन मींस जैसे ये ग्रास है ना, ग्रास पे, ग्रास का ट्रॉपिक लेवल है ये, है ना. एक ट्रॉपिक लेवल है ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल ग्रास हॉपर का, ये अलग ऑर्गेनिज्म आ गया, ये ग्रास प्रोड्यूसर आ गया. ठीक है, तो और ये फिर आ गया फ्रॉग आ गया, इनका अलग ट्रॉपिक. ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ट्रॉपिक लेवल. मतलब कि जो ग्रास है एक ट्रॉपिक लेवल, वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल उस पर डिपेंड कर रहा है कि एक ग्रास का जो ग्रास है जो वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है हमारा. तो ग्रास एक प्रोड्यूसर है, है ना. तो एक ये एक स्पेसिफिक जो है, एक स्पेसिफिक क्या कह लेंगे उसको, कि स्पेसिफिक एक एक पार्ट है, है ना, इकोसिस्टम का एक पार्ट है जिस पे बाकी ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे एक. ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे होता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड हमारे आ जाएंगे हम, तीन तरह के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर. ठीक है, पहला होएगा पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होएगा पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा होएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है. नंबर पिरामिड ऑफ नंबर मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर कैसे वेरी करता है. जब हम उनको एक पिरामिड की फॉर्म में जाके हम उनको स्टडी करेंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म का नंबर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये जैसे ये पहली डायग्राम है. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ रहे हैं हम. तो फर्स्ट है कि पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड में कैसे डील करता है. तो ग्रासलैंड में कैसे होएगा पिरामिड ऑफ नंबर, ये होगा अपराइट. अपराइट कैसे होएगा, ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि अपराइट कैसे होएगा. तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ग्रास है, तो ग्रासलैंड में पढ़ रहे हैं तो हमें ग्रास तो होनी चाहिए ग्रास में जब भी. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोड्यूसर आएगा, ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर में क्या होता है कि ग्रास ही होते हैं. तो ग्रास कितने लार्ज नंबर में होती है, ग्रास शॉपर से तो ज़्यादा ही होती है जैसे. तो ग्रास पे डिपेंड करता है, ग्रास शॉपर, ठीक है, उस पर फीड करता है. ग्रास शॉपर पे कौन फीड करता है, फ्रॉग. फ्रॉग के ऊपर कौन फीड करता है, स्नेक. और स्नेक के ऊपर कौन फीड करता है, ईगल, है ना. तो क्या होता है कि इसने प्रोड्यूस किया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ इस पे, ठीक है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ फ्रॉग, ये टर्शरी और ये क्वार्टरनरी. ठीक है, तो ऐसे करके हम पिरामिड ऑफ नंबर को वेरी करते हैं कि इसका पहले ग्रास का सबसे ज़्यादा नंबर था, फिर इसका डिक्रीज हुआ ग्रास शॉपर का, फिर इसका फ्रॉग का उससे कम है, ठीक है, इसने इस पर फीड किया, फिर स्नेक का उससे भी कम है, ईगल उससे भी कम है. तो टर्शरी कंज्यूमर में क्या, ईगल. तो इसमें क्या बताया है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे, अपर लेवल में जाते जा रहे हैं ना ट्रॉपिक लेवल पे, तो जो क्या होता है कंज्यूमर का, ठीक है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी कंज्यूमर का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो जो बेस है वो ब्राउड होगा क्योंकि ग्रास का सबसे ज़्यादा नंबर है, और जो अपेक्स होगा इसका ये, ठीक है, अपेक्स होगा इसका वो होगा डिक्रीज, क्योंकि ईगल का नंबर टर्शरी तक जाते हुए क्या हो रहा है कि ईगल का नंबर क्या हो रहा है, ईगल डिक्रीज कर रहा है, मतलब ईगल का इनके कंपैरिजन में कम नंबर है, ये बोलने का मतलब है इनका. ठीक है, और ईगल का इसके कंपैरिजन में तो बड़ा ही कम है, और ग्रास का ईगल के कंपैरिजन में बड़ा ही ज़्यादा है. ठीक है, तो
ठीक है, तो ये बोलता है इसमें पिरामिड ऑफ नंबर ऐसे, और ये क्या होता है अपराइट, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट एज वेल एज इट इज इन्वर्टेड। चलो तो इन्वर्टेड में कैसे देखेंगे हम कि इन्वर्टेड में पिरामिड ऑफ नंबर सिर्फ किस किस केस में होता है, पैरासाइट के केस में, ठीक है। जैसे क्या होता है कि नंबर, अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर जो बैक्टीरिया और फंजाई है ना, वो बड़े सारे हैं, बहुत ज़्यादा है ना, ह्यूज क्वांटिटी में है, ठीक है। तो क्या होएगा कि जो हाइपर पैरासाइट्स है जैसे बैक्टीरिया और फंजाई है ना, तो इसका क्या होएगा, जो इसका ये अपेक्स ही हुआ है ना, जैसे इसका ये अपेक्स हुआ, अगर इसका इसको हम अपेक्स लेंगे, तो अगर हम इसको अपेक्स लेंगे जो हाइपर पैरासाइट को, तो ये तो ब्राउड है, तो फंजाई और बैक्टीरिया तो बड़े सारे हो गए, कि हम बोल रहे थे ना कि जो प्रोड्यूसर हैं वो इसमें पिरामिड ऑफ नंबर में, कि जो प्रोड्यूसर हैं वो लार्ज क्वांटिटी में हो गए, पर इसमें तो उल्टा हो गया कि जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो लार्ज नंबर में हैं और जो प्रोड्यूसर है और उसको मतलब उसके कंपेरिजन में वो बहुत कम नंबर में है, ठीक है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंजाई, उसके बाद लाइस एंड बग्स, बर्ड्स, तो यहाँ से अगर स्टार्ट हुए तो हम है ना, तो ट्रीज पे आके कौन फीड करता है, बर्ड्स, तो बर्ड्स लार्ज नंबर में हो जाएंगे, ठीक है। बर्ड्स हर्बीवोरस, उसके लार्ज नंबर में, बर्ड्स पे लाइस एंड बग्स, ठीक है, उससे ज़्यादा नंबर हो जाएगा इनका, और बैक्टीरिया और फंजाई का उससे भी ज़्यादा नंबर हो जाएगा, मतलब जो इसका बेस है वो शॉर्ट होएगा, लेस होएगा एज कम्पेयर टू एपेक्स। सो दिस इज इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। ये जो ग्रासलैंड के केस में होता है वो हमेशा अपराइट होएगा, और जो पैरासाइट के केस में होएगा वो हमेशा इन्वर्टेड होएगा। सो नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या हम स्टडी करते हैं, ये भी सेकेंड टाइप है इकोलॉजिकल पिरामिड का। तो पिरामिड हम ऑफ बायोमास में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनको बायोमास के एक बायोमास के उनके अगर बायोमास के हिसाब से देखें तो वो कैसे डील कर रहे हैं हमारी फूड चेन में, ठीक है। तो क्या होता है पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोमास होता क्या है। तो बायोमास होता है कि टोटल ड्राई वेट है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी भी एरिया में है ना, उनका टोटल ड्राई वेट कितना होएगा, उनका कितना वॉल्यूम कवर करेंगे कि उस एरिया में, उस पर यूनिट एरिया में उनका टोटल ड्राई वेट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोमास, राइट। सो पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो वो होता है अपराइट, ठीक है। तो जनरली क्या हम सोचते हैं, हमने मतलब हम ऐसे जनरली सोचते होंगे कि जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस क्या होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरस जनरली हम सोचेंगे कि जो कार्निवोरस होंगे उनका ड्राई वेट ज़्यादा होएगा, बट ऐसा नहीं होता। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो हर्बीवोरस होते हैं, उनका हमेशा ड्राई वेट क्या होएगा, वो कार्निवोरस से ज़्यादा होएगा। तो क्या होता है कि जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है कि जो ग्रास है, ठीक है, जो बेस रीजन पे जो ग्रास होएगी उसका ड्राई वेट सबसे ज़्यादा होएगा, फिर जो हर्बीवोरस और जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उनका, फिर प्राइमरी कार्निवोरस और फिर टॉप कार्निवोर। नेक्स्ट जैसे हम इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होएगा। तो जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होएगा कि पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अपराइट हो जाएगा, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होएगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो एक्वेटिक में जो प्रोड्यूसर डाइटम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में है ना, सी में, तो उसमें क्या, वो सबसे सबसे कम क्वांटिटी उनका बायोमास क्या होता है, सबसे कम होएगा, ठीक है, ड्राई वेट उनका सबसे कम होएगा, फिर हर्बीवोरस का होएगा, ठीक है, फिर कार्निवोरस का होएगा। जो हमने इस केस में देखा ना कि हम बोल रहे थे कि जनरली हम सोचते हैं कि कार्निवोरस का ड्राई वेट ज़्यादा होएगा, बट वो हर केस में नहीं होता है, वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होएगा, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होगा वो उसका रिवर्स होएगा, कि जो प्रोड्यूसर हैं वो डाइटम है उनका सबसे कम नंबर होएगा, एपेक्स का क्या होएगा, ब्राउड, ठीक है, और जो इसका बेस होएगा वो स्मॉल होएगा क्योंकि डाइटम का ड्राई वेट बड़ा कम होता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में दोनों आ जाते हैं, जैसे हमने पिरामिड ऑफ नंबर में देखा था कि अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी।
एनर्जी की टर्म में देखें तो हमारे जो पिरामिड हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। हम पिरामिड की फॉर्म में अगर एनर्जी को देखें तो इकोसिस्टम में हमारे में जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक रूल आता है 10% रूल। ठीक है, 10% रूल में क्या होता है कि 10% रूल ऑफ एनर्जी में होता है कि हमेशा जब भी हम एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे मूव करते हैं ना, तो सिर्फ क्या होता है कि 10% एनर्जी जो होती है वो पास होती है अगले टॉपिक लेवल पे, है ना, बाकी सब लॉस हो जाती है एनर्जी का। तो क्या होता है जैसे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में अगर हम इन केस ये सोचो टेरेस्ट्रियल में देख लें, है ना, तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर कौन होएगा, जैसे ग्रास प्रोड्यूसर होएगा, प्राइमरी कंज्यूमर होएगा रैबिट, है ना, रैबिट हो गया जैसे, है ना, रैबिट पे कौन फीड करेगा, बुल फीड करेगा, बुल पे कौन फीड करेगा, लॉयन फीड करेगा। तो जो जैसे यहाँ से प्रोड्यूसर एनर्जी कहाँ से लेगा, प्राइमरी सोर्स क्या एनर्जी का, सन से प्रोड्यूसर एनर्जी लेगा और फिर वो फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, खुद को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है, फूड बनाने के लिए। तो इस पे प्रोड्यूसर पे कौन फीड कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये उसका 10% लेगा, ठीक है, और बाकी क्या होता है एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो इसी कारण इसका जो बेस है वो ब्राउड है और अपेक्स जो है वो स्मॉल है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे मूव करते हैं तो एनर्जी का हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि डिक्रीजिंग रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में जैसे डिक्रीज कर रही है एनर्जी अपेक्स पे जाके, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होएगा, अपराइट। और अगर हम जैसे हमने पिरामिड ऑफ बायोमास में देखा था कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होएगा, तो यहाँ पे वो इन्वर्टेड नहीं होएगा, यहाँ पे हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूव करती है, कि एनर्जी का हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। जब भी वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे मूव करती है तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, और वो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सन है तो सन को थोड़े ना वापस कर रही है, ठीक है, कोई गेन हुआ नहीं, गेन हुआ ना वो लॉस होगी, और प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, तो ये हमेशा एनर्जी क्या होगी, यूनिडायरेक्शनली फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसमें एक और है कि ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे उसकी जैसे बिहेव करती है, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है कि एनर्जी लॉस होती है, हमेशा क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बोला। तो ठीक है, तो ये था हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।